Greeting of the day. My name is Manalisha Bhar. I am from Kolkata. Currently, I am pursuing my hotel management degree from IHM Ahmedabad. So today, I am going to make Korean dish in Indian touch. My first dish is yakshik, जिसे कि मैंने Indian touch देने के लिए परवल की मिठाई का concept use किया है. मैंने yakshik को कुकर में बना के then उसे परवल पे fill किया है. एंड माई सेकेंड डिश इज डाक गर्वी, जिसे कि मैंने अचार स्टाइल में बनाया है. डाक गर्वी के चिकन को मैंने अचार के साथ मैरिनेट किया है. एंड माई थर्ड डिश इज स्पाइसी राइस केक, जिसमें मैंने इंडियन ट्विस्ट ऐड करने के लिए गरम मसाला ऐड किया है. हम बनाने वाले हैं याक्सिक, जो कि एक फेमस कोरियन डिज़र्ट है. इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन शुगर, सोया सॉस, एंड शुगर को मैंने कैरमलाइज कर लिया है. इसे भी हम 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे. अब मैं इसमें 2 चम्मच हनी ऐड करने वाली हूँ. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसमें मैं सिनेमन पाउडर ऐड करूँगी. मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड किया है. इससे याक्सिक में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी. इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें इसे. अब इस बैटर में मैं सिसमी सीड्स ऑयल ऐड करूँगी. अब इसमें हम सोक्ड किए हुए राइस ऐड करेंगे. याद रखें, राइस को अच्छे से धो लें. याक्सिक को मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर हमारे हर घर में इजीली अवेलेबल होता है. आप चाहे तो राइस कुकर भी यूज़ कर सकते हैं. इस बैटर को अब मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी. अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स ऐड करूंगी. मैं इसमें काजू, किशमिश एंड बादाम भी ऐड कर रही हूँ. आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. इसे अच्छे से मिला लें. अच्छे से मिक्स करके कुकर का लीड लगा के 3 से 4 सीटी लगा लें. याक्सिक को मैंने इंडियन ट्विस्ट देने के लिए परवल की मिठाई का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के परवल लिए हैं. इसे अच्छी तरह छील लिया है, वॉश कर लिया है, और इसमें चीरा लगा के इसके अंदर की बीज को अच्छी तरह से बाहर निकाल लिया है. अंदर से ये पूरा खाली है. इसे चाकू की सहायता से आप अच्छी तरह से इसके अंदर की बीज बाहर निकाल लें. चीनी का सीरा बना के इस परवल को उसमें उबाल लें. सीरे में आप इलायची का पाउडर ऐड कर लें, ताकि इलायची की खुशबू परवल के अंदर आ जाए. इसे अच्छी तरह से अब इसमें चीनी के सीरे में उबाल लेंगे. तब तक उबालेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए. हमारा याक्सिक रेडी है. इसे मैंने बाउल में उतार के ठंडा कर लिया है. हमारा परवल भी रेडी है. आप देख सकते हैं परवल का कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि इसने चीनी का सीरा अच्छी तरह से सोक कर लिया है. अब हम इस याक्सिक को एक स्पून की सहायता से अंदर अच्छी तरह स्टफ़ कर लेंगे. आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं. इसे अच्छी तरह से पूरी तरह अंदर स्टफ़ कर दें. हमारा इंडियन स्टाइल परवल याक्सिक रेडी है. इसे मैंने ड्राई फ्रूट, केसर एंड सिल्वर वर्क से डेकोरेट किया है. अब हम बनाने वाले हैं चिकन डाक गर्मी इन अचारी स्टाइल. इसके लिए मैंने चिकन को साफ़ करके क्यूब में कट कर लिया है. मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ रेड चिली पेस्ट, ब्लैक चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, अनियन, चॉप्ड जिंजर गार्लिक, सॉल्ट, राइस वाइन, वेजिटेबल ऑयल एंड कॉर्न सिरप को ऐड कर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है. इंडियन ट्विस्ट देने के लिए मैंने यहाँ आम के अचार का यूज़ किया है. मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच के अकॉर्डिंग आम का अचार ऐड किया है. अब इसमें हम चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे. एक फ्राइंग पैन लेंगे. अब वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे. इंडियन तड़का देने के लिए मैंने यहाँ गरम मसाला तड़के में यूज़ किया है. अब हम इसमें चॉप्ड जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे. अब मैं इसमें अपने वेजिटेबल ऐड करने वाली हूँ. आप चाहे तो और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ कैबेज, कैरेट, स्वीट पोटैटोस एंड अनियन का यूज़ किया है. अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे. चिकन को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसे एटलीस्ट 20 मिनट तक के लिए कुक करें.
अब मैं इसमें कोकोनट वाटर ऐड करूँगी, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। इसे ड्राई होने तक पकाएं। अब ये ड्राई हो चुका है, हमारा डाक गलवी रेडी है। इसे अब राइस केक बनाने के लिए हमें चाहिए राइस फ्लावर, सॉल्ट एंड वार्म वाटर। याद रखिए लूक वार्म वाटर ना हो। अब पानी को हमें हल्की हल्की मात्रा में ऐड करना है ताकि हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट ना बने। हमें एक सेमी हार्ड फॉर्म में डो चाहिए। अच्छे से हाथों से नीट करके डो बना लेंगे। अब इसे मसलिन क्लॉथ से आधे घंटे के लिए ढक देंगे। आधे घंटे बाद हम डो को अच्छी तरह नीट कर लेंगे और इसे एक लंबे शेप में, इक्वल शेप में कट करके बॉईल कर लेंगे। राइस केक की ग्रेवी के लिए मैंने टमाटो, रेड चिलीज़ को बॉईल करके उसमें गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर एंड गार्लिक और सॉल्ट एंड धनिया डाल के अच्छे से एक प्यूरी बना ली है। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, गार्लिक चॉप्ड, जिंजर चॉप्ड, चिलीज़ एंड वाइट सिसमे सीड ऐड करके सौते कर लेंगे। अब इसमें हम अपना टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी को तब तक फ्राई करें जब तक कि सारा ऑयल बाहर ना आ जाए। अब इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे, राइस केक ऐड करेंगे। राइस केक ऐड करके इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5-10 मिनट बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी को हमें हाफ क्वांटिटी में रिड्यूस कर लेना है। अब हम इस पर स्प्रिंग अनियन ऐड कर लेंगे। इसे और सुखाएंगे जब तक कि ग्रेवी और सूख ना जाए। अब हमारा राइस केक ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड गरम मसाला डाल के हम सिसमे सीड्स एंड स्प्रिंग अनियन डाल के सर्व कर लेंगे। याद रखें गरम मसाला ज़रूर डालें, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। Thank you for watching. Hope you like my recipes. Please like and share. Thank you.